आजकल हर किसी को कोई ना कोई परेशानी तो है ही। हर इंसान अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है, अपनी परेशानियों के बारे में बात करता है, पर कोई भी इंसान उन समस्याओं के समाधान के बारे में बात क्यों नहीं करता? उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में क्यों नहीं बात करता? आपके घर में परेशानी है, आपके जीवन में परेशानी है। कई लोग कहते हैं कि अपने मन की बात दूसरे को बता दो तो मन हल्का हो जाता है। आप अपनी परेशानी किसी और को बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, तो वो आपसे कहेगा कि अच्छा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, कितने परेशान हो तुम जिंदगी में, कितना दुख झेल रहे हो। उसको बताने से पहले आपका मन थोड़ा कम परेशान था, बताने के बाद अब आपका मन और भारी हो जाएगा कि वाकई में मेरी इतनी समस्या बड़ी है कि जो मुझे चाहने वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो बताने से मन हल्का हुआ या भारी? आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके कोई सलूशन नहीं मिलेगा। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे कि अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है पर दूसरे की लाइफ में तीसरे ने प्रॉब्लम की है, उससे इनको प्रॉब्लम है। हम उस इंसान को माफ नहीं कर सकते जिसने उस इंसान को परेशान किया। अरे भाई, आपका उससे क्या लेना देना? उन दोनों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है कि आपको पता है? कुछ लोग अपनी परेशानियों की वजह से परेशान है, कुछ लोग देश की समस्याओं को लेकर परेशान है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को लेकर भी परेशान है, चिंता में बैठे रहते हैं, पता नहीं कब विश्व युद्ध हो जाए, दुनिया खत्म हो जाएगी। अपना वर्तमान समय खत्म होता उन्हें दिखता नहीं और दुनिया खत्म होने की चिंता हो रही है सबको। हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं, समाधान के बारे में नहीं। दुनिया के सबसे महान चित्रकार, महान पेंटर पिकासो ने एक पेंटिंग बनाई। एक दिन उन्होंने उस पेंटिंग को बाजार में रख दिया और नीचे लिख दिया, इस पेंटिंग में आपको जो भी कमी दिखे, गलती दिखे, लिख के जाओ पेंटिंग के ऊपर। सुबह में वो पेंटिंग रख के चला गया। जब वो शाम को आके लौटा, उसने देखा उसकी पूरी पेंटिंग पे लोगों ने मिस्टेक्स लिख रखी थी, एक जगह भी नहीं छोड़ी जहां लोगों को कुछ गलती ना दिखे। वो बहुत दुखी हो गया कि सारी दुनिया मुझे महान चित्रकार मानती है और राह चलते लोगों ने मेरी हजार गलतियां निकाल दी। उसको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने यही सोच के पेंटिंग बीच बाजार में रखी कि लोग तारीफ करके जाएंगे कि अद्भुत आपकी कलाकृति है, पर सब लोगों ने कमियां बता दी। जिनको पेंटिंग की जरा भी नॉलेज नहीं थी वो लोग भी कमियां बता के चले गए। उसने अपने मित्र से पूछा क्या करूं। उसके मित्र ने कहा कि ऐसा करो, कल आप यहां एक पेंटिंग रखो और उसके नीचे लिखो कि जिसको भी इस पेंटिंग में कुछ कमी दिखे उसे ठीक कर दो। पिकासो ने दूसरे दिन वैसे ही किया। सारा दिन वो पेंटिंग पड़ी रही पर एक भी इंसान नहीं आया उस पेंटिंग को ठीक करने। कमियां बताने के लिए, समस्या बताने के लिए, परेशानियां बताने के लिए हजार लोग मिल जाते हैं पर उनको ठीक करने वाला कोई नहीं मिलता। हम भी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां लोगों को बताते रहते हैं। लोगों को यह लगता है कि बता दो, बताने से दुख हल्का हो जाता है, पर किसको बताने से? जिन लोगों में डर की एनर्जी है, चिंता की एनर्जी है, जो खुद अपनी परेशानियों से परेशान है, क्या उनको बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा, सल्यूशन मिल जाएगा? हमारी परेशानियों का कारण सिर्फ ये नहीं कि हमारी जिंदगी में उलझने हैं, दुख हैं। हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सल्यूशन के बारे में विचार ही नहीं करते, कोई तरीका ही नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि हम तो अपनी परेशानियों में ही उलझे हुए हैं। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, दुनिया मतलबी है, तो ये कोई नई बात है क्या? आप मतलबी नहीं है? कौन मतलबी नहीं है? हर कोई इंसान अपनी खुशी चाहता है। यदि कोई कहता रहे कि करेला तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, अरे इतना कड़वा लगता है तो मत खाओ, कुछ और खा लो। आपके घर में जो परेशानियां हैं, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, अब आपको उस पर वर्क करना है कि उसमें आपको किसे जीना है, क्योंकि दुनिया को, लोगों को आप नहीं बदल पाओगे।
उसी माहौल में आपको किसे चलना है। यदि हम अपनी सोच को बदलें और हम समस्याओं को छोड़ के समाधान पे चर्चा करना शुरू करें, सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करें, तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताइए। यहां का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पे गुजरी किसी से ना कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। अरे लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। आप दुख बताएंगे अपने तो लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। पर दुनिया भी अजीब है, ये रोके दिखाएगी और हंसके उड़ाएगी। हो सकता है सामने आपको सहानुभूति दें, सिंपथी दें, और पीछे कहें कि इसे जब देखो अपने दुख ही रोता रहता है। तो प्रॉब्लम्स को छोड़ के सॉल्यूशन पे सोचना शुरू करें, सॉल्यूशन पे वर्क करना शुरू करें कि इन सब प्रॉब्लम्स में मुझे कैसे खुश रहना है। जो भी मुझे मिला है जिंदगी में, इन हालातों में मैं कैसे खुश रहूं। यदि हम अपनी जिंदगी में जिस दिन हम प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन पे वर्क करना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी।